हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनकर जो फ्रीडम और एम्पावरमेंट मिलता है वो रेगुलर जॉब से नहीं मिल सकता। इसीलिए बहुत से लोग अब एंटरप्रेन्योर बनने की तमन्ना रखने लगे हैं और बहुत से लोग इस फील्ड में उतर भी गए हैं। लेकिन अगर उन्हें भी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, तो उनकी हेल्प हमें करनी होगी। और इसीलिए क्विक सपोर्ट आज ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आया है जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत मदद करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इन टिप्स को भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी नए आइडिया को लेकर बिजनेस शुरू करता है और उससे प्रॉफिट कमाने के अलावा लोगों की लाइफ को पहले से इजी बनाने में हेल्प भी करता है। अब एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर नए आइडिया के साथ बिजनेस शुरू करने का प्लान तो आपने बना लिया, लेकिन उसमें सक्सेस पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं टिप नंबर 1, वो करिए जो आपको खुशी देता हो। सिर्फ एक आइडिया के साथ बिजनेस प्लान बनाने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले वो फील्ड चुनना होगा जिससे आप बेहद पसंद करते हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो और जिसे करने से आपको बहुत खुशी भी मिलती हो। ये खुशी वैसी ही होगी जैसी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को मिलती होगी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को भी। टिप नंबर 2, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करिए। एक लंबे समय तक एम्प्लॉय रहने के बाद जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एक एम्प्लॉय को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। ऐसे में आप स्मार्ट वर्क की वैल्यू को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए अपने बिजनेस में सफल होने के लिए दिन रात हार्ड वर्क करने की बजाय उस बिजनेस से जुड़े नए प्लान्स बनाइए जो मार्केट में अभी तक नहीं आए हो। और जब आप मार्केट और कस्टमर की जरूरत को समझते हुए स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपके लिए सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। टिप नंबर 3, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है, ये सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिस्क के बेस पर ही बिजनेस चलाएंगी तो ये कभी भी लॉस में जा सकता है और आप उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर ये होगा कि आप अपने नए बिजनेस में छोटे छोटे स्टेप्स यानी छोटे छोटे डिसीजंस लें और उन्हें अप्लाई करके रिस्पॉन्स देखें। ऐसा करने से भले ही आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन मार्केट और कस्टमर पर आपका इम्प्रेशन पॉजिटिव पड़ेगा जो आपको बहुत बेनिफिट्स दिलाएगा। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप की इस नई दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़िए। टिप नंबर 4, उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखिए। अपना बिजनेस शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर को अगर ये कहा जाए कि पहले आप इस फील्ड में थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लीजिए तो शायद ये आइडिया उसे पसंद ना आए, लेकिन ये सजेशन असल में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी कंपनी में पहले काम किया है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से काम की बारीकियां सीख सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स को समझ सकते हैं और उनकी ग्रोथ स्किल्स को सीख सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप उस मिस्टेक्स और स्किल्स को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजंस ले सकेंगे और आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। टिप नंबर 5, परफेक्ट टीम बनाइए। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरुआत में भले ही आपको किसी टीम की जरूरत ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा आपको मैन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप ऐसे लोगों को हायर करें जो अपने काम में एक्सपर्ट्स तो हो ही, साथ ही वो उन एरियाज ऑफ वर्क में परफेक्शन रखते हों जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं। यानी बिजनेस के जिस एरिया में आप परफेक्ट हैं आप उसे संभालें और जिन एरियाज में आप वीक हैं उनके लिए उस एरिया के एक्सपर्ट्स हायर करें। ऐसे करके आपके बिजनेस का हर एरिया किसी न किसी एक्सपर्ट के हाथ में होगा, यानी आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग टीम की मदद से तेजी से प्रोग्रेस करने लगेगा। टिप नंबर 6, लगातार जुटे रहिए। एक एंटरप्रेन्योर को लगातार अपने बिजनेस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जुटे रहना जरूरी है। इसके लिए उसे नए आइडिया, प्रमोशंस, मार्केटिंग, फंडिंग, फीडबैक सबके लिए सोचना होगा। ग्रोथ के साथ रिस्क का ध्यान भी रखना जरूरी होगा और ऊंचाई पर जाने के लिए गिरने से भी बचना होगा। इसीलिए आपको लगातार जुटे रहना होगा बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के प्रति सुस्त रवैया रखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं और आपको भारी लॉस भी हो सकता है। टिप नंबर 7, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता हो कि खुद का बिजनेस या कंपनी शुरू करने के बाद आप प्रेशर से फ्री हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद भले ही आपको 9 से 6 की जॉब से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में आपको ही सोचना होगा और आपको ही लगातार एफर्ट्स डालने होंगे। इसलिए आपका काम 24 घंटे 7 दिन चलेगा, कोई छुट्टी नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं। ऐसे में डिसअपॉइंट और स्ट्रेस्ड फील करने की बजाय आपको पेशेंस रखना होगा।
एक बार आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए उसके बाद इसकी पावर और इसका मैजिक पता चल जाएगा। इसीलिए रिलैक्स रहना और पेशेंस रखना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपका नजरिया ऑप्टिमिस्टिक है तो क्या कहना। टिप नंबर 8, फेल होने से मत डरिए। बिजनेस में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। भले ही आपके पास एक बढ़िया बिजनेस प्लान और एक परफेक्ट टीम हो और आप स्मार्ट वर्क करते हो और अपने काम के लिए पैशनेट भी हो, लेकिन ये सारी क्वालिटीज मिलकर भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती। ऐसे में कभी भी फेलियर से सामना हो सकता है, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे हाई कॉम्पिटिशन या बिजनेस कॉन्सेप्ट में कोई कमी। ऐसे में ख्याली पुलाव बनाते रहने की बजाय आपका रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फेलियर को एक्सेप्ट कर सके और अपनी मिस्टेक्स को दूर करके फिर से आगे बढ़ सके। इसीलिए फेलियर से डरिए मत। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने का आपका सपना आसानी से पूरा हो सकता है और उसमें सफल होने के लिए जरूरी टिप्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाइए और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के सफर पर चल पड़िए। इसमें एक खास बात यह भी है कि एंटरप्रेन्योर बनने में आपकी एज बैरियर नहीं बन सकती, यानी आप किसी भी एज में एक्सपीरियंस के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें बताई गई टिप्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में आपकी मदद जरूर करेगी। आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।